आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली स्क्वायर की सुपर टेस्टी रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर लिया है 1 कप सोया चंक्स। इसके अंदर डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून करीब नमक। इसके बाद ऐड करना है 1/2 टीस्पून करीब टमेटो सॉस। उसके साथ ही ऐड करना है 1/2 टीस्पून करीब चिली सॉस। अब इसके अंदर ऐड करना है गरम किया हुआ पानी। पानी को मैंने एक उबाल आने तक गरम किया है, अब इसे इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद कर लेना है अच्छे से मिक्स, और मिक्स करके 30 मिनट्स रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। इससे हमारा सोया चंक्स अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और फूल भी जाएगी। तो लीजिए इसे ढक देते हैं और 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। अब 30 मिनट्स हो चुका है, इस ढक्कन को ओपन करके चेक कर लेती हूँ। तो देख लीजिए ये बहुत अच्छे से फूल भी गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसका पानी स्ट्रेन कर देना है और इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। तो देख लीजिए मैंने अच्छे से इसे स्क्वीज़ कर दिया है। अब इसमें ऐड करना है अदरक और लहसुन कूटी हुई। इसके बाद ऐड करना है बस थोड़ा सा चिली सॉस, और इसके बाद डालेंगे सोया सॉस। 1.5 टीस्पून करीब सोया सॉस का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो सोया चंक्स को उबाल भी सकते हो, इससे भी ये बहुत अच्छे से पक जाती है। और आप चाहो तो इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड करना है कर्नफ्लोर। 3 चम्मच कर्नफ्लोर का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ऐड करना है बस थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच चावल का आटा। अब हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है इसे। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन में लेना है रिफाइंड ऑयल, तो मैंने इधर 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैं सोया चंक्स को शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसका कलर खूबसूरत सा आ जाएगा। तो देख लीजिए इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। एकदम परफेक्ट कलर आ रहा है इसमें। तो आप ऐसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये फ्राई होके रेडी हो जाती है। तो देखिए परफेक्ट फ्राई हो गया है। अब इसे पैन से निकाल लेते हैं। देख लीजिए कलर कितना खूबसूरत आया है। आप चाहो तो ऐसे भी इसे खा सकते हैं। अब मैंने ले लिया है एक लोहे का कढ़ाई, और इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून करीब रिफाइंड ऑयल। ऑयल को कर लेना है धुआंदार गरम। जैसे ये अच्छे से गरम हो जाए इसके अंदर ऐड करना है चॉप्ड किया हुआ लहसुन और अदरक। 10 से 12 कलियां लहसुन के मैंने इस्तेमाल किया है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। अब इसमें ऐड करना है बड़े पीसेस में कट किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को रखना है बिल्कुल हाई। अब इसमें ऐड कर देते हैं चॉप किया हुआ 3 से 4 हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उसी के हिसाब से मिर्च ऐड कर सकते हो। अब इसमें ऐड करना है विनीगर। इधर मैंने 1 टीस्पून करीब विनीगर का इस्तेमाल किया है। इसे बस 1 मिनट तक फ्राई करना है, इससे ज़्यादा इसे बिल्कुल ना फ्राई करें। अब इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस। 1 टेबलस्पून करीब सोया सॉस मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और 1/2 टेबलस्पून करीब चिली सॉस। आप चाहे तो चिली सॉस का ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उसी के हिसाब से चिली सॉस ऐड कर सकते हो। अब 1.5 टेबलस्पून ऐड करना है टमेटो सॉस। सब्जी को बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका क्रंच बरकरार रहे। ये पूरा रेसिपी बनाते हुए फ्लेम को लो नहीं करना है, फ्लेम को रखना है बिल्कुल हाई। अब लास्ट में इसमें ऐड करना है नमक। पहले नमक ऐड करने से सब्जी का क्रंच खत्म हो सकता है। अब इसमें ऐड करना है कर्नफ्लोर वाला घोल। 1/2 कप पानी में मैंने 1 टीस्पून कर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसे ही इसमें ऐड करना है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून करीब सफ़ेद तिल। इससे ये खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी खूबसूरत बन जाता है। पहले इसका कलर हल्का फीका रहता है, पर पकते पकते इसका कलर डार्क हो जाता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं फ्राई किया हुआ सोया चंक्स। बस 1/2 से 1 मिनट तक सोया चंक्स को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा देर इसके साथ पकाना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करके इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं
देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है हमारा सोया चिली, देख के ही आ रहा है ना मुंह में पानी। बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जब आप भी इस प्रोसेस में घर पे ट्राई करोगे। हो सके तो आप लोहे वाला कढ़ाई ही यूज़ कीजिए, उससे बहुत खूबसूरत कलर आती है इसमें और टेस्ट भी इसका लाजवाब आता है। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे